बिहार के सीएम नीतीश कुमार जहां एक और ताल ठोककर बिहार में शराबबंदी की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में शराब के साथ साथ अब नशीली दवाओं का अवैध कारोबार भी चलने लगा है। जी हां, ताजा मामला मधुबनी जिले का है, जहां जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर स्थित बीओपी पिपरौन चेक पोस्ट पर तैनात एसएसबी के जवानों ने प्रबंधित नशीली दवाओं के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार युवक की पहचान हरलाखी थाना क्षेत्र के पिपरौन गांव निवासी कन्हैया कुमार सिंह के रूप में की गई है। सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई एसएसबी ने गुप्त सूचना के आधार पर की, जहां आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मामले की सूचना पाते ही ड्रग इंस्पेक्टर श्रीधर कुमार पिपरौन एसएसबी कैंप पहुंचे और जानकारी देते हुए बताया कि इन जब्त दवाओं में स्पॉस्मो प्रॉक्सी 1 समेत अन्य कई दवा हैं जो नारकोटिक्स की श्रेणी में आता है, जो इसमें मिली हुई है, जो कि डॉक्टर के लिखने के बाद ही बेचने की अनुमति मिलती है। आपको बता दें कि ड्रग इंस्पेक्टर की ओर से रिपोर्ट मिलने के बाद एसएसबी ने गिरफ्तार युवक को हरलाखी थाना पुलिस के हवाले कर दिया, जहां थाना अध्यक्ष ने बताया कि आरोपी युवक को जेल भेज दिया जाएगा। वहीं आप बता दें आपको कि प्रदेश में जिस तरीके से शराबबंदी की बात जो है वो नाकाम होती दिख रही है, जिस तरीके से सूबे के मुखिया नीतीश कुमार लगातार शराबबंदी की बात ताल ठोक कर कह रहे हैं, तो वहीं बिहार में अब नशीली दवाओं का अवैध कारोबार भी होना कहीं ना कहीं अब शुरू होता दिख रहा है, जिस पर फिलहाल एसएसबी के जवानों ने रोक लगा दी है। लेकिन अब प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने यह सवाल उठ गया है कि एसएसबी ऑफ मतलब कैंप के द्वारा लगता है कि भारत से नेपाल की तरफ जा रहा था, कोई एक आदमी जा रहा था, शायद बिक्री कर रहा था। हाँ नहीं, मेरे पास जो मिला है कि वो ले मतलब थैला में रखा हुआ था कुछ दवा, तो उनके द्वारा पकड़ा गया है, तो उनको संभावना लग रहा है कि ये नारकोटिक है। ठीक है, तो ये जो दवा पकड़ा गया है नाइट्राजेपाम टैबलेट है, ठीक है, तो ये नारकोटिक की श्रेणी में आता है। फिर आपका स्पाज्मो प्रॉक्सी 1 प्लस करके दवा पकड़ा गया है, ये भी नारकोटिक में आता है।